नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर DELED का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम शैक्षणिक अभिरुचि का सेकेंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास आरम्भ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी सामुदायिक शाला के लिए सटीक है? कोई एक सामुदायिक शाला है, उसके लिए सटीक क्या है? समाज को निर्देशित करना, सामाजिक जीवन का केंद्र बने रहना, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहना, या समाज द्वारा सम्मानित किया जाना? तो किसी सामुदायिक शाला के लिए सटीक है, समाज को हम निर्देशित नहीं कर सकते, समाज द्वारा सम्मानित किया जाना ऐसा भी नहीं कह सकते। अब ये बी और सी ये दो है, सामाजिक जीवन का केंद्र बने रहना या फिर सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहना। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो चॉइस करना है, टिक लगाना है। तो इसमें आएगा सामाजिक जीवन का केंद्र बने रहना, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजकल शालाओं में किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है? आजकल शालाओं में किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है? नैतिक मूल्यों का विकास, धन दौलत हासिल करने की योग्यता, विभिन्न डिग्रियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी, बच्चों में प्रेम और भाईचारे का विकास। तो आजकल शालाओं में नैतिक मूल्यों का विकास, इस उद्देश्य की पूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की विशेषता क्या है? दूसरों पर निर्भरता, शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था की विशेषता दूसरों पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। शैशवावस्था की जो उम्र होती है, हम जब बचपन में होते हैं तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, खाने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। शारीरिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास भी होता है, वृद्धि होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, और जो सीखने की जो तीव्र जो इच्छा है वो इसी समय होती है। बच्चा पूछता है, आपने देखा होगा अपने आसपास, अब या आपके घर में भी बच्चे होंगे तो वो पूछते हैं किसी भी चीज़ को, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है। तो शैशवावस्था की विशेषता में आएगा उपरोक्त सभी, दूसरों पर निर्भर भी हैं, शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होनी चाहिए। विद्यार्थियों के साथ आपका जो तालमेल है शिक्षक का, उसे विकसित करने के लिए शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? अपने विद्यार्थियों को प्यार करें, विद्यार्थियों से दोस्ती करें, व्यक्तिगत ध्यान दें, अच्छी तरह से संवाद करें। तो विद्यार्थियों के साथ अच्छा तालमेल विकसित करने के लिए एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है कि वो व्यक्तिगत ध्यान दे। अगर हम प्रॉपर एक एक बच्चे को, अगर हम उनकी समस्याओं को हल करें कि उन्हें क्या परेशानी है, कौन सी कठिनाई आ रही है, तो एक शिक्षक जो है बच्चों के साथ इस तरह अच्छा तालमेल विकसित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षा की समानता का अर्थ है? स्त्री के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा, कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की समानता का अर्थ है स्त्री के लिए शिक्षा। पहले समय में क्या होता था कि पुरुषों को ही प्रायोरिटी दी जाती थी पढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए ऐसा सोचा जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर पे ही रहेंगी, खाना बनाएंगी, पढ़ लिख कर क्या करेंगी, उन्हें तो आखिर ससुराल ही जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, शिक्षा की समानता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों जो है एक साथ शिक्षा ग्रहण करें। अनुसूचित जाति, जो पिछड़े वर्ग, जो आदिवासी लोग हैं, वो भी शिक्षा से जुड़े। कई बार ऐसा, अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी शिक्षा जो है उन लोगों तक नहीं पहुँच पाई है। तो उन लोगों को भी शिक्षा से जोड़ना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा, और जो कमज़ोर वर्ग है, जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, उन्हें भी शिक्षा की धारा से उन्हें जोड़ना है। तो शिक्षा की समानता का अर्थ है स्त्री के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा, कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को सामाजिक कार्यों में लिप्त होना चाहिए। एक शिक्षक को सामाजिक कार्यों में कब लिप्त होना चाहिए? कभी कभी, तब जब ज़रूरत हो, अधिकतर कभी नहीं। तो एक शिक्षक को सामाजिक कार्यों में लिप्त होना चाहिए तब जब ज़रूरत हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के क्षेत्र